नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद के प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, उनके द्वारा रचित उनकी कविता प्रथम रश्मि का अध्ययन करेंगे। प्रथम रश्मि कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के वीणा काव्य संग्रह से ली गई है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वपन नीड में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे गूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। इन पंक्तियों में, इस पूरी कविता में ही, प्रथम रश्मि पूरी कविता में ही कवि ने प्रातःकालीन जो सूर्य की प्रथम जो किरण है उससे जीवन में और प्रकृति में क्या बदलाव आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में बताया है। प्रातःकालीन सूर्य की जो प्रथम किरण है वो जीवन को नवीन उत्साह और उल्लास देने वाली है। प्रथम किरण के धरती पर पड़ने से ही प्रकृति के साथ साथ मानव जीवन में भी चेतनता आती है। प्रकृति में भी एक नया उत्साह, एक नया उल्लास देखने को मिलता है। वैसे ही सूर्य की प्रथम किरण मानव जीवन में भी नए उत्साह और उल्लास को लाने वाली है। इसी सब को कवि पंत ने इन पंक्तियों में बताया है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना। रंगिनी शब्द का अर्थ है रंगीली चिड़िया। कवि कहते हैं कि हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, हे रंगीली चिड़िया, तूने, रश्मि शब्द का अर्थ है किरण, तूने कैसे पहचाना कि अब जो है वो प्रातःकाल की प्रथम जो किरण है वो इस धरती पर बिखरने वाली है। कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। विहंगिनी शब्द का अर्थ भी चिड़िया ही है कि हे बाल विहंगिनी, हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुम जो इतना मधुर गाना गाती हो उसे तुमने कहाँ से और किससे सीखा है। तूने धरती पर प्रथम जो सूर्य की किरण है उसके आने को तुमने कैसे पहचाना और ये जो मधुर गाना तुम जो गाती हो वो तुमने किससे सीखा है। सोई थी तू स्वपन नीड में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं स्वपन नीड, नीड शब्द का अर्थ है घोंसला यानी स्वपन रूपी घोंसला। प्रहरी शब्द का अर्थ है पहरेदार। कवि पंत कहते हैं कि हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, स्वर्णिम आभा वाली रंगीली चिड़िया को संबोधित करते हुए कवि पंत कहते हैं कि हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, तू कुछ समय पूर्व तक स्वपन रूपी घोंसले में पंखों के बीच में छिपकर सुख से सोई हुई थी। तुम्हारे घोंसले के द्वार पर प्रहरियों के समान अनेक जुगनू ऊँगते हुए अर्थात आलस्य से ग्रस्त होकर पहरा देने के लिए घूम रहे थे। तात्पर्य यह है कि रात तक तो जो चिड़िया थी, जो सारी प्रकृति थी, वो अपने सपनों की दुनिया में सोई हुई थी, लेकिन प्रातःकाल की सूर्य की किरण धरती पर आते ही प्रकृति में चेतनता आ गई। चिड़ियाँ भी जो है वो प्रथम किरण के साथ ही चहचहाने लगी, मधुर स्वर में गान गाने लगी और प्रकृति के साथ ही एक नए उत्साह और नए उल्लास का संदेश देने लगी। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नभचर,
चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तमने था मंडप ताना। प्रातःकालीन ही जो सूर्य की किरण है उसके फलस्वरूप प्रकृति के साथ साथ और क्या परिवर्तन हुए, इसी को इन पंक्तियों में बताया गया है। शशि किरणों यानी कि चंद्रमा की किरणें, शशि शब्द का अर्थ है चंद्रमा। काम रूप शब्द का अर्थ है मन चाहा रूप रखने वाला। नभचर शब्द का अर्थ है आकाश में विचरण करने वाले। और स्नेह शून्य शब्द का अर्थ है कि प्रेम से शून्य, श्वास शून्य, श्वास यानी कि सांस से रहित। इसमें कवि पंत कहते हैं कि शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से उतर उतर कर स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले अनेक नभचर यानी कि आकाश में विचरण करने वाले धरती पर घूम रहे थे, और वे चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। मृदु शब्द का अर्थ है कोमल। और जो मनचाहा रूप धारण करने वाले नभचर थे वो नई नई कलियों के सुकोमल मुखों को चूम कर उन्हें मुस्काना सिखा रहे थे। भाव यह है कि भौंरे तितलियां आदि जो नभचर हैं वो प्रातःकाल होने पर कलियों पर मंडरा रहे थे और उनको विकसित करने में मानो सहायता कर रहे थे। प्रातःकाल होते ही सूर्य की किरणें धरती पर पड़ते ही जो भौंरे और तितलियां हैं वो कलियों पर मंडराना शुरू कर देते हैं और कलियां खिलना शुरू कर देती हैं। उसे देखकर ऐसे लगता है कि जैसे ये भौंरे और तितलियां ही कलियों को विकसित होना सिखा रहे हैं या उनकी सहायता कर रहे हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तमने था मंडप ताना। कवि कहता है कि प्रातःकाल, तरु शब्द का अर्थ है तरु का अर्थ है वृक्ष, पात शब्द का अर्थ है पत्ते, और तम का अर्थ है अंधेरा। प्रातःकालीन कवि पंत कहते हैं कि प्रातःकालीन अरुणाभा से पूर्व आकाश में तारे रूपी दीपक तेल से रिक्त होने से अपनी चमक से धूमिल होने लगे थे, तथा पेड़ के पत्ते ऐसे निश्चल और निस्पंद थे कि मानो वे श्वास से शून्य अर्थात निर्जीव हों। उस समय धरती पर अनेक स्वप्न विचरण कर रहे थे। अवनी शब्द का अर्थ है धरती, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, अवनी शब्द यहाँ पे धरती के लिए आया है। तो उस समय ऐसे लग रहा था कि जैसे धरती पर अनेक स्वप्न विचरण कर रहे थे और संपूर्ण प्रकृति के ऊपर अंधकार ने अपना मंडप तान रखा था, अर्थात रात्रि के अंतिम प्रहर में सर्वत्र निर्वरता निस्तब्धता एवं अंधकार व्याप्त था और सभी मानव स्वप्नों की मधुर दुनिया में सोए हुए थे। इन पंक्तियों में कवि के कहने का भाव यह है कि प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व जो रात्रि का अंतिम पहर होता है, तब जो तारे भी हैं जो अपनी रात्रि में पूरी तरह से टिमटिमा रहे होते हैं वो सूर्योदय से पूर्व ही धूमिल होना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय वे तारे दीपक के समान, ऐसे दीपक के समान लग रहे थे जिनका जो तेल है वो ख़त्म हो गया हो और वो मंद हो गए हों। उस समय जो पेड़ों के पत्ते थे वो भी एकदम से स्तब्ध थे, उनमें कोई हलचल नहीं थी, और
सारी जो प्रकृति है उस पर अंधकार का एक आवरण सा छाया हुआ था। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहुछाया हीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहुक टोना माना। तरु वासिनी शब्द का अर्थ है पेड़ पर निवास करने वाली चिड़िया। तरु शब्द का अर्थ है वृक्ष, वासिनी वास करना, तो पेड़ पर निवास करने वाली चिड़िया। अंतर्यामिनी शब्द का अर्थ है दूसरों के हृदय की बात जानने वाली। कवि कहता है कि जब सारी जो प्रकृति है वो अंधकार के आवरण से ढकी हुई थी, तभी ऐसे अवसर पर सहसा ही पेड़ पर रहने वाली छोटी चिड़िया मधुर स्वर में कूकने लगी। उसे संबोधित करते हुए कवि कहता है, उस चिड़िया को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे तरुवासिनी, पेड़ पर निवास करने वाली, तुमने नूतन नई प्रातःकाल के स्वागत का गाना गाओ। हे तरुवासिनी छोटी चिड़िया, तुम प्रातःकाल के आने का स्वागत जो गीत है वो गाओ। हे अंतर्यामिनी, तुमने प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना कैसे मिली, तुमने कैसे जाना कि अब प्रातःकाल की प्रथम किरण जो है वो धरती पर पड़ने वाली है, और किसने तुम्हें यह जो मधुर स्वागत गीत है वो सिखाया है। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहुछाया हीन, चक्र रच रहे थे खल निशीचर, चला कुहुक टोना माना। छायातन शब्द का अर्थ है छाया के समान शरीर वाले। खल निशीचर, खल शब्द का अर्थ है दुष्ट, निशीचर रात में घूमने वाले। कुहुक शब्द का अर्थ है कूजन या इंद्रजाल। इसमें कवि ने कहा है कि रात्रि के अंत में, अर्थात रात्रि के अंतिम पहर के बाद और प्रातःकाल से पूर्व जो प्राकृतिक वातावरण में एक विशेष परिवर्तन दिखाई देता है, जब रात खत्म होने वाली होती है और सुबह जो प्रातःकाल की जो प्रथम किरण है वो निकलने वाली होती है, उस समय जो प्राकृतिक परिवेश में एक परिवर्तन दिखाई देता है, उसी को इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि रात्रि के सघन अंधकार से छाया के समान काले शरीर वाले तथा छाया से रहित अनेक दुष्ट रात्रिचारी यानी रात में विचरण करने वाले प्राणी सृष्टि से बाहर निकलने लगे। वे सभी कुचक्कर सा रचते हुए अपनी माया फैला रहे थे। इस कारण सृष्टि में सर्वत्र अंधकार का जादू फैल रहा था, अर्थात चारों तरफ अंधकार ही था, और रात्रि के अंधकार में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि छायाहीन कोई भूत प्रेत आदि सृष्टि में अपने इंद्रजाल का प्रसार कर अपना कुटिल चक्कर चला रहे थे। रात्रि के अंतिम पहर में जब सब कुछ शांत होता है, पत्ते भी नहीं हिलते, चारों तरफ अंधकार का एक आवरण सा छाया रहता है, उस समय ऐसा लगता है कि जैसे रात्रि में विचरण करने वाले जो प्राणी हैं वो अपने जादू से चारों तरफ अंधकार फैला रहे हैं, और सब तरफ अंधकार का प्रसार जो है कुछ अपने जादू से सब तरफ अंधकार ही अंधकार को प्रसारित कर रहे हैं।